हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग NCISM का जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है उसमें किस तरीके से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं और कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, कैसे हमें प्रेजेंटेशन करनी है, इस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो पदार्थ विज्ञान 1, पदार्थ विज्ञान 2 और एनाटॉमी 1, इसका ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ और भी आगे जो है सब्जेक्टिव वीडियोस अपलोड करूंगी। साथ ही साथ टॉप 20 क्वेश्चंस जो है वो हर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। वो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, केवल आपका पैटर्न चेंज हुआ है। तो यहाँ से आप टॉप 20 क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं उसको हाईलाइट करके उन पे फोकस जरूर करें। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि रचना शैली या एनाटॉमी, रचना शैली जिसको हम एनाटॉमी बोलते हैं मॉडर्न में, इसके दो पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसमें आयुर्वेद पोर्शन जो है वो ज्यादा है, अलोंग विथ मॉडर्न भी उसने इंक्लूड कर दिया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होंगे जिनका आयुर्वेद एंड मॉडर्न दोनों उसमें हम कोरिलेशन कर पा रहे हैं, जैसे कि गर्भ शरीर उसका एम्ब्रियोलॉजी से होता है, ऑस्टियोलॉजी उसका अस्थि शरीर से होता है, ऐसा। तो इसमें आयुर्वेद पोर्शन पे पहले हमको ज्यादा फोकस करना है। देन पेपर 2 जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी आयुर्वेद है और मॉडर्न है, तो इस वाले पेपर में मॉडर्न पोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। देन ये होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 50 मिनिमम मार्क्स लाने हैं, और ये भी 100 मार्क्स का प्लस 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो ये तो हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके थे। अब हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या टॉपिक्स है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है प्रमाण शारीर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमाण शरीर मतलब हमारी बॉडी की जो पार्ट्स है उनके कैसे अंगुली प्रमाण में बताया गया। तो आचार्य सुश्रुत ने अंगुली प्रमाण का वर्णन किया है अलग से, आचार्य चरक ने अलग से, लेकिन अंजलि प्रमाण का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर पीजी पर्पस ऑल्सो या फिर आपके MCQ में आ सकता है। अंजलि प्रमाण का वर्णन सुश्रुत ने नहीं किए हैं, मतलब अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते 10 अंजलि उदक का, 9 अंजलि रस का, 8 अंजलि रक्त का, इस तरीके से ये जो वर्णन है वो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। तो ये टेबल फॉर 5 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आता है कोष्ठ एवं आशय शारी। तो कोष्ठ कितने होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कोष्ठ अंक कितने होते हैं यानी न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर MCQ, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, और आशय स्त्रियों में कितने पुरुषों में कितने। देन ये सबके वीडियो जो है वो ऑलरेडी रचना शारी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। देन सिरा शारीर में कॉन्सेप्ट ऑफ सिराएं, कितनी सिराएं होती है, निरुक्ति क्या है, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है, ये सारा आपको देखना है। सिरा वेद हम कैसे करेंगे, तो एक नया टॉपिक इंक्लूड कर दिया। देन धमनी शारीर, तो धमनी की संख्या, निरुक्ति, टाइप्स, तो हमेशा यदि क्वेश्चन आएगा तो वो दोनों चीज को साथ में दे सकता है यदि लेंथी क्वेश्चन है तो। श्रोतस शारीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आउट, श्रोतस संख्या कितनी होती है अकॉर्डिंग टू चरक एंड सुश्रुत। फिर श्रोतस के मूल क्या होते हैं, श्रोतो मूल और अप्लाइड एस्पेक्ट्स, यानी इसमें यदि डिसीज हुई तो क्या होगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम, तो इसको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। देन आता है काल शारीर, तो काल शारीर में आपको डेफिनेशन ऑफ काल एंड सॉरी कला है, ये स्पेलिंग सेम होती है काल एंड कला, तो ये कला शारीर, कला कितनी बताई गई है नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कला। देन इंद्रिय शारीर, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनता है लेंदी, इंद्रिय शारीर, तो इंद्रिय शारीर कितनी इंद्रियां बताई गई है ना, नंबर एंड इंपॉर्टेंस। फिर ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और उभय इंद्रिय का डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासा, जो आयुर्वेद के इंद्रिय अधिष्ठान है, इनके बारे में हमें, यानी इंद्रिय पंचपंचक का अच्छे से आपको ध्यान रखना है, जो कि ऑलरेडी हम पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ चुके हैं, वहां पे भी इसका क्वेश्चन आता है और यहाँ से भी आएगा। देन आता है त्वचा शारीर, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपको
जो त्वचाएं बताई गई हैं लोहिता भाषणी इस तरीके से उनकी पूरी डिटेलिंग पढ़नी है, एक लेंथी क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा। तो टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ त्वचा यहाँ पे आपको उसके अधिष्ठान के साथ देखना है। देन मर्म शारीर, तो मर्म शारीर में उन्होंने चार तरीके से क्लासिफिकेशन किया है, तो उस तरीके से आपको उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, लोकेशन ये सारी चीजें देखनी है, और त्रिमर्म का वर्णन यानी हृदय, वस्ती और शिर, इन तीनों मर्मों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग आपको आनी चाहिए। देन आते हैं मॉडर्न पोर्शन में, तो मॉडर्न पोर्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉडर्न के भी सारे वीडियोस चैनल में अवेलेबल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स विथ क्लिनिकल एस्पेक्ट, तो इसमें लंग्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्लूरा, डायफ्राम, ये इनके बारे में आपको सुपरफिशियली पता होना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलरली एक टॉपिक 10 मार्क्स में नहीं देगा, वो साथ में दे देगा लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड हो सकता है पूरा दे दे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करिए, तो इस तरीके से। देन आता है, और इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी यदि आप कमेंट में हमें सजेस्ट करें, वीडियोस में नोट्स से वीडियोस बना दूंगी, लेकिन आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और हमें हर वीडियो में कमेंट करके अपना सजेशन देना पड़ेगा। देन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें हमें एब्डोमेन के बारे में रीजंस, 9 रीजंस ऑफ एब्डोमेन अच्छे से पढ़ने हैं। देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फिर इसमें लिवर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्प्लीन, पैनक्रियास हमें पढ़ना है और पेरिटोनियम। देन आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो हार्ट, हार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन इसकी ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन्स और रिलेशंस आप छोड़ सकते हैं, सुपरफिशियली यदि याद हो तो ठीक है, लेकिन हार्ट के चैम्बर्स, किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, कहाँ पर क्या मसल्स होती है, ये सारी चीजें आपको स्पेशली पढ़नी है, चैनल में वीडियो है इसका भी। देन है यूरिनरी सिस्टम, तो इसमें आपको किडनी पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है, यूरेटर आप सुपरफिशियली पढ़ सकते हैं, एंड यूरिनरी ब्लैडर पे आपको स्पेशली फोकस करना है। देन आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑलरेडी हम लोग नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उतना सफिशियंट है। देन आता है सेंसरी ऑर्गन, तो सेंसरी ऑर्गन में आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन, इन सब के बारे में आपको कंटेंट अच्छे से तैयार करना है। इस पर मैं रेगुलरली वीडियो अभी अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे अवेलेबल हो जाए। तो ये था हमारा सिलेबस एनालिसिस, और टॉप 20 क्वेश्चंस से आप इन टॉपिक पे मार्क जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं कि जो एमसीक्यू डिवाइड किया गया है, अब सबसे पहले थीम, इसने थीम के अनुसार बात दिया, यदि आप सिलेबस का पेज नंबर 44 देखेंगे उसमें 6F2 थीम टेबल दी हुई है, तो थीम ए बी सी डी ई एफ जिस तरीके से बांटा हुआ है, थीम ए में टॉपिक नंबर 2 और 11 है, यानी उसी का आयुर्वेद पोषण, मॉडर्न पोषण, इस तरीके से थीम ए। देन थीम बी में प्रमाण शारीर, मर्म शारीर, थीम सी में थर्ड चैप्टर, फोर्थ मतलब फोर्थ टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक एंड 12th टॉपिक, थीम डी में 10th टॉपिक, थीम ई में 13th, थीम एफ में 14th टॉपिक और थीम जी में 6th, 7th, 8th और 15th टॉपिक, ऐसा दिया हुआ है। अब उन्होंने ये भी बता दिया कि भैया हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो थीम ए से देंगे एमसीक्यू का, इस तरीके से थीम बी से और सेकेंड और थर्ड नंबर का एमसीक्यू आएगा, थीम सी से 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने एमसीक्यू आएंगे। आप सोच लो थीम सी क्या है, तो थीम सी में है शिरा शारीर, धमनी शारीर, श्रोतस शारीर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे, तो चैनल में वीडियो है, आपको डरने की जरूरत नहीं। जो मैंने आपको रिवीजन सीरीज बनाई है रचना शारीर की, उसमें ऑलरेडी ऐसे चीजों का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये टॉपिक एमसीक्यू में आते हैं या ये पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके वहां से कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो जरूर देखें। देन फिर थीम डी एंड ई से 10th या 11th नंबर का क्वेश्चन आएगा, थीम ई डी से 13th और 14th नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो थीम डी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, थीम एफ से 15th नंबर का एमसीक्यू आएगा और थीम जी से 16 से लेके 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। अब देखिए कि थीम जी में क्या है, तो कला शारीर, इंद्रिय शारीर, त्वचा शारीर, सेंसरी ऑर्गन, तो ये भी चार टॉपिक्स हैं, इस वजह से यहाँ से ये हो ऐसा हो रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपको करने हैं 5 मार्क्स के। अब थीम ए बी सी से 3 क्वेश्चन आएंगे, 1, 2, 3, थीम डी या ई से जो है वो अल्टरनेट क्वेश्चन आ सकता है 4, 5, 6 नंबर का। देन थीम एफ से फिक्स्ड है, 7th नंबर का क्वेश्चन आएगा और थीम जी से
फिक्स है, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें थीम ए बी सी और जी से क्वेश्चन आएंगे चारों। अब थीम ए में क्या है, तो कोष्ठ और डाइजेस्टिव सिस्टम, थीम बी में प्रामाण शरीर मर्म शरीर, थीम सी में शिरा धमनी श्रोतस कार्डियोवास्कुलर और थीम जी में कला इंद्रिय त्वचा सेंसरी, जो कि मैंने आपको पहले ही मार्क करवा चुकी थी। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स ऑलमोस्ट 90% सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो अवेलेबल है। लेकिन बाय चांस आपको यदि वो नहीं मिलती या मैं प्लेलिस्ट में ऐड करना भूल गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर अवेलेबल कराऊंगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट में मैं पिन अप कर दूंगी, वहां से आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां पे आपको हम सारे पीडीएफ अवेलेबल करवा सकें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आर्ट स्टिल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।